राम जी और मंडल अध्यक्ष श्री लोकेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं और माता सुरेंद्र की मूर्ति लेकर के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री बलवीर जी, यार हाँ, मेरे से दूर रहो यार, यार भाई नीचे भी ला रहे हो यार। इस चुनाव में हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सती जी मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे पुराने साथी भाई वीरेंद्र कश्यप जी, विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, भाई बहनों, हिमाचल में मैं मेहमान नहीं हूं। मेरे अपनों के बीच मेरे घर आया, भाई बहनों, मुझे बताया गया आप 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और ये हमारा मंडप भी छोटा पड़ गया। मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। मेरे देर से आने के कारण और इस धूप में आप लोगों को जब तपना पड़ रहा है, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। और भाई बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आज पूरे हिमाचल में, ये मेरी तीसरा कार्यक्रम है हिमाचल में, पूरे हिमाचल ने आज पलक पावड़े बिछा करके अपने बेटे को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, क्योंकि मैं मानता हूं मैं इस धरती का बेटा हूं, आप ही ने मुझे बड़ा किया है, सालों तक आपके बीच में रहा हूं, सैकड़ों परिवार है जिन्होंने मुझे रोटी खिलाई, हिमाचल ने मुझे क्या नहीं दिया है भाई, आपने बहुत दिया मुझे, एक मौका दो ताकि मैं उसे लौटा सकूं। और मैं बताऊंगी आज भी गुजरात के लोग मेरे लिए बड़ी शिकायत करते हैं,
कि कभी साथियों के साथ गप्पे मारने बैठता हूं तो घंटों भर मैं उनको हिमाचल की बातें सुना रहा हूं। तो मुझे कहते हैं भाई मोदी जी अब तो एक कैसे बदलवा बार बार हिमाचल हिमाचल कहते रहते हो, लेकिन मेरे दिल पर हिमालय इतना छाया हुआ है, हिमाचल के प्रेम ने मुझे इतना जकड़ के रखा हुआ है, मैं इससे कभी मुक्त नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है और देश की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने की ताकत रखने वाली ये मशरूम की भी भूमि है। अगर प्रोटीन खाना है और आप वेजिटेरियन है तो डॉक्टर भी आपको मशरूम खिलाते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव बहुत आए बहुत गए, हिमाचल में मैं सालों तक कई चुनाव लड़ा चुका था, लेकिन हिमाचल में मैंने ऐसी रैलियां कभी नहीं देखी। आज मैं कांग्रेस गया, मंडी गया, यहां आया, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, मैं कल्पना नहीं कर सकता क्या क्या हिमाचल में ताकत दिखाई है। और जो पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके हिसाब किताब दिल्ली में से लगाते रहते हैं कि 2% स्विंग इधर है, 1% स्विंग इधर है, 0.5% स्विंग इधर गया है, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए वैसा होगा, ये सारे पंडितों को मैं कहता हूं, सिर्फ आज हिमाचल की मेरी 3 रैलियों का नजारा देख लीजिए। ये चुनाव, ये पॉलिटिकल पंडित इतने सालों से जितने ही उन्हें पंडिताई की होगी, इस बार पंडितों की पंडिताई गलत निकलने वाली है, क्योंकि ये चुनाव एरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव अंक गणित का है ही नहीं। 2014 का चुनाव 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। और इसमें भाई बहनों अंक गणित में एक से मिलकर एक दो होता है, केमिस्ट्री में एक के बगल में एक 11 होता है। ये फर्क है, इस चुनाव का ये फर्क है। और इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास में इस बार के चुनाव नतीजे देश के राजनीतिक दलों के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, उम्मीदवारों के कारण नहीं है, नेताओं के कारण नहीं है, इस देश के चुनाव का नतीजा 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति का चुनाव है, उनकी संकल्प शक्ति का चुनाव है। ये चुनाव 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षा और अरमान का चुनाव है। और इसलिए देश अब किसी के बहकावे में आकर के झूठी बातें सुनकर के किसी भी हालत में गुमराह होने वाला नहीं है। देश अपना भाग्य अब खुद बनाना चाहता है, ये मैं पूरे देश में भ्रमण करके बता सकता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान हो चुका है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान हो चुका है,
और इस बहुत बड़ी मात्रा में जो मतदान हुआ है उसमें दो काम हुए हैं। पिछले दिन घेर बदलना पड़ता है, पहाड़ों में गाड़ी चलानी है। रुकावट के लिए खेद है। भाई बहनों, मैं देश भर का भ्रमण किया है और इस चुनाव में अब तक का जो मतदान हुआ है उन मतदाताओं ने दो काम पक्के कर लिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, मां बेटे की सरकार गई, लिख के रखो आयो गई। और दूसरा काम किया है आने वाली सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। अब जो चुनाव बाकी है, अब जिनके जिम्मे मतदान करना बाकी है, जिसमें हिमाचल भी है, अब आपके जिम्मे एक छोटा सा काम बच गया है। दो महत्वपूर्ण काम अब तक के मतदाताओं ने कर दिए हैं, मां बेटे की विदाई और नई सरकार के स्वागत की तैयारी कर ली है। आपका काम बहुत छोटा बाकी है और वो है मजबूत सरकार बनाना। देश को मजबूत सरकार चाहिए, देश को मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए, देश को मजबूती से आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए आपको कैसी सरकार चाहिए। पूरी ताकत से बताइए, सबका सब बोलिए, कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। अरे मेरे हिमाचल के भाइयों, मेरी भाषा तो समझो, मैं किसकी सरकार चाहिए ऐसा नहीं पूछ रहा हूं। मैंने नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए, मैंने ये पूछा कैसी सरकार चाहिए। क्या देश को धीमी धीमी सरकार चलेगी, मजबूत सरकार चलेगी, अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी, मां बेटे के ऑक्सीजन को जीने वाली सरकार चलेगी। भाई बहनों, अब देश को 10 साल बर्बाद हो गए, 10 साल, अब देश को मजबूत सरकार चाहिए। भाई मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए। भाई बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज क्या मां बेटे की सरकार आंख ऊंची करके बात बोल सकती है क्या? क्या आज देश में हम जय जवान बोल सकते हैं? भाई बहनों, मेरे हिमाचल की वीर माताओं ने गर्भ के अंदर भी बालक को संस्कार दिए हैं कि बेटा जन्म लेने के बाद इस मां की चिंता मत करना, तो भारत मां की चिंता करना। ऐसी माताएं कहां मिलेगी, ऐसी मां कहां मिलेगी जो गर्भ में भी बेटे को कहती है कि बेटा जन्म लेने के बाद इस मां की चिंता मत करना, भारत मां की चिंता करना। ऐसे जवान भारत मां के रक्षक इस हिमाचल ने दिए हैं।
आज कभी माओवादियों की गोलियों से, आतंकवादियों की गोलियों से, बम बंदूक पिस्तौल से, पाकिस्तान के नापाक इरादों से कोई महीना कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता होगा जहां मेरे हिमाचल का लाडला भारत मां के लिए शहीद ना होता हो, उसका शरीर ना आता हो। भाग्य बनो, पूरा हिमालय चीख चीख करके रोता है, सेना के जवानों के सर काट लिए जाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन परोसा जाए। क्या ये जवानों का सम्मान है? भाइयों बहनो, युद्ध में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा आतंकवादियों की गोलियों से हमारे लाडले हमने गवाए हैं। माओवाद से मरे हैं, आतंकवाद से मरे हैं। भाई बहनों, जिस देश में हम जय किसान कहते हैं, आज किसान का हाल क्या है? भाई बहनों, युद्ध में जितने जवान मरे, आतंकवादियों की गोलियों से जितने जवान मरे, इससे ज्यादा आत्महत्या करके किसान मरे हैं। लाखों के आप हैरान हो जाओगे। मैं अभी यवतमाल में गांव में गया था, 8 परिवार ऐसे हैं पति पत्नी दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है। भाइयों बहनों, युद्ध में मरे जवानों से ज्यादा लाखों की तादाद में मेरे किसान ने आत्महत्या की है। जिस धरती पर एक लाल जय जवान जय किसान का नारा दे सकता था, उसी धरती पर मां बेटे का नारा है मर जवान मर किसान। जवान भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है। क्या मेरे देश के किसानों को कौन बचाएगा? भाइयों बहनों, हिमाचल का नाम आते ही एप्पल की याद आती है। मैं जरा दिल्ली सरकार को पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां के एप्पल के किसानों को प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा करके विदेशों से एप्पल आ गए, हमारे किसान का एप्पल बिके, इसके लिए पूरा प्रबंध किया था। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई किसान विरोधी सरकार ने खुला मैदान छोड़ दिया। दुनिया में जिस रंग का जिस देश का एप्पल आना है आने दो, हिमाचल मरे तो मरने दो, राजनेताओं का पेट भरने दो, यही पाप चला है भाइयों। इससे मुक्ति कौन दिलाएगा? भाई बहनों, कोई भी हिमाचली कह सकता है कि दिल्ली में बैठा हुआ मोदी हमारा है। भाई बहनों, आज अगर हम एग्रीकल्चर में फल और फूल सब्जी इनकी वैल्यूएशन का काम करते, आप कल्पना कर सकते हो दुनिया में हमारा स्थान क्या होता। भाई बहनों, मेरा गुजरात में कच्छ जिला है जो भूकंप में पूरी तरह नष्ट हो गया था,
वहां पीने का पानी भी नहीं मिलता था। बंजर भूमि रेगिस्तान, हमने वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर से नर्मदा का पानी पहुंचाया और वहां का किसान आज 8 साल के भीतर भीतर मैंगो एक्सपोर्ट करता है, दुनिया के बाजार में बेचता है। इतना ही नहीं, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं हिमाचल के लिए कहना चाहता हूं, यहां तो नेचर कोर्स में माहौल ठंडा है, यहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाने में बिजली की खपत कम लगती है, यहां चीजों को संभालना इकोनॉमिकली वायबल होता है। अगर यहां पर सब्जी का अगर प्रोसेसिंग होता है और आज मेरे यहां कच्छ में से सब्जी पका करके टीन में पैक करके दुनिया के बाजार में बिकती है जी, सारी दुनिया में कई देशों में गुजरात से पकी हुई सब्जी सिर्फ उनको थोड़ा गर्म करना खा लेना आज बिक रही है। ये काम अगर कच्छ के रेगिस्तान में हो सकता है तो हरा भरा मेरे हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों, देश का दुर्भाग्य यह है कि जो आपको दिखता है, जो मुझे दिखता है, वो दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखता है। अभी प्रधानमंत्री जी एक दिन बोले थे मैंने बोला वो सुना कि नहीं, मैंने अभी बोला तो सुना कि नहीं, मैंने कहा अभी एक दिन प्रधानमंत्री भूले थे। मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूं जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री भूले थे ये एक अच्छी खबर विपक्ष का व्यक्ति दे रहा है और आप ताली भी बजा रहे। अरे खुशियां बनाओ, खुशियां बनाओ, प्रधानमंत्री बोले थे और क्या बोले, गुवाहाटी में वोट देकर के निकले। ये पत्रकार तो बड़े कमाल के होते हैं, तो उनको पता होता है कैसे क्या करना, तो प्रधानमंत्री को घेर लिया, गुवाहाटी के पत्रकारों ने घेर लिया और उनको पूछ लिया कि मोदी की लहर के विषय में आपका क्या कहना है, और प्रधानमंत्री ने बोल दिया मुझे कोई मोदी की लहर नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताओ आपको क्या दिखता है। क्या आपको कभी 10 साल में महंगाई दिखाई दी, आपको 10 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला कभी दिखाई दिया क्या, आपको कभी बेरोजगार नौजवान दिखाई दिए क्या, आपको कभी जिस जवान का सर कट गया था उसकी विधवा पत्नी चीख चीख करके रो रही थी क्या कभी दिखाई दिया था क्या, आपको कभी वो आत्महत्या करने वाला किसान उसका 8 साल 10 साल का बच्चा जिंदगी का भरोसा टूट चुका था वो रो रहा था क्या कभी दिखाई दिया था क्या। अगर प्रधानमंत्री 10 साल तक आपको न महंगाई दिखाई दी, न भ्रष्टाचार दिखाई दिया, न बेरोजगारी दिखाई दी, तो आपको मोदी की लहर कहां से दिखाई देगी, कहां से दिखाई देगी। आपको तो मां बेटे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। भाई बहनों, देश की तबाही का कारण ये मां बेटे की सरकार है। आप मुझे कहिए कि हमारे हिमाचल वीरों की भूमि, और इसी वीरों की भूमि में वन रैंक वन पेंशन ये मुद्दा कितने सालों से लटका रहा है और हर चुनाव में झूठे वादे करने की इनकी हिम्मत है। और भाइयों बहनों,
जितनी गंभीरता से देश में पूर्व सैनिकों की चर्चा होती है, उतनी ही गंभीरता से हमारे अर्थ सुरक्षा बलों की चिंता करने की भी जरूरत है। बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये सारे अर्धलश्करी बल हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में है और सभी सरकारों ने उनकी उपेक्षा की है। एक बार मैं, क्योंकि मैं गुजरात की सीमा पर हमारे यहां बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, तो मैं दिवाली मनाने के लिए उनके यहां चला जाता हूं। सीमा पर जो लोग हैं उनके साथ मैं दिवाली मनाता हूं और मैं जाता हूं तो वहां उनकी समस्या में बड़ी बातें समझता हूं, उनके परिवार का प्रॉब्लम समझता हूं। और इतना कष्टमय जीवन इस सीमा पर बैठे हुए लोगों का होता है जिसकी हमें कल्पना नहीं है। एक बार मैंने प्रधानमंत्री के सामने हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, मेरा पूरा भाषण मैंने ये अर्धलश्करी बलों पर बोला। अब मैं तो बोल रहा था जो मैंने देखा था उसके कारण, मैं अपना दर्द बता रहा था कि भाई ये भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, मुसीबतों में जीते हैं। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैंने जो आवाज उठाई उसकी ताकत क्या थी, क्योंकि उस मीटिंग में सुरक्षा बलों के सब प्रकार के लोग बैठते हैं, उन्होंने सुना। और जैसे ही दोपहर को लंच हुआ, सारे बीएसएफ वगैरह के अधिकारी मेरे पास आए, मेरी बहुत अभिनंदन किया। बोले साहब, 50 साल में एक भी नेता ने हमारी आवाज नहीं उठाई, किसी ने हमारी बात कही नहीं, आप पहले व्यक्ति हो जिसने हम अर्धलश्करी बलों के लिए चिंता जताई है। भाइयों बहनों, बाद में मैं हैरान हुआ, मुझे हजारों की तादाद में बीएसएफ के जवानों के परिवारों से, सीआरपीएफ के लोगों से चिट्ठी आई और उन्होंने कहा कि मोदी जी, सेना के जवानों की बात तो होती है, होनी भी चाहिए, अच्छा है, लेकिन हमारी तरफ कोई देखता नहीं है। मैं देश के यूनिफॉर्म में जितने लोग हैं सबको विश्वास दिलाता हूं, हमारे लिए आप सब अति मूल्यवान है। आपका जीवन, आपका परिवार, ये हमारे भारत का गहना है और उस गहने की इज्जत के लिए सरकार को जो भी करना होगा मैं वो काम पूरा करके रहूंगा। और भाई बहनों, बहुत सारे अच्छे काम है, वो करना मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है, मेरे नसीब में अच्छे काम ही लिखे हुए हैं। भाई बहनों, अब नहीं लगा, मैं आज सोलन की धरती पर से और एक प्रकार से मैं आज अपने घर आया हूं। मेरी ट्रेनिंग की मैं कितना दौड़ रहा हूं, आप लोग थक गए होंगे देख देख करके, लेकिन जैसे ही हिमाचल में आया मेरी थकान उतर गई। इंसान कितना ही थकान से भर के आता है, घर आता है, सारी थकान उतर जाती है, पता नहीं भूमि का प्यार है, आते ही मेरी थकान उतर गई, पूरी बस्ती आ गई, फिर से वही आनंद आ गया। मैं आज जाते जाते मेरी इस भूमि को, मेरे अपनों से कुछ दिल की बात बताना चाहता हूं, राजनीति से हटकर के कुछ बात करना चाहता हूं, करूं ना? आपको चुनावी भाषण सुनने नहीं आए ना? और दिल की बात बता दो, क्योंकि आजकल आप लोगों से मिलना कम होता है, तो बता दूं। आज मुझे बात करनी है 18 से 28 के नौजवानों के साथ, 18 to 28 है ना, जरा हाथ ऊपर करके आवाज उठ रही है, क्या पूरा वही भाप रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं जो बात करना चाहता हूं आपके लिए करना चाहता हूं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में इंसान कितनी पढ़ाई क्यों न करे,
लेकिन बारहवीं के एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहां प्लस टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लस टू। प्लस टू एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जब बच्चा प्लस टू में होता है पूरे घर का माहौल, ए आवाज मत करो, भाई को एग्जाम है, बहन को एग्जाम है, ए टीवी मत चलाओ, ए टेलीफोन बंद कर, चलो पढ़ो, यही चलता है ना पूरे घर में, यही हो जाता है ना स्कूल में, ए गड़बड़ मत कर, प्लस टू है भारत का, यही होता है ना। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आप कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, आपकी जिंदगी कहां ले जाएगी, उसका पूरा आधार प्लस टू के रिजल्ट पे होता है। अगर प्लस टू का रिजल्ट अच्छा आया, आपकी जिंदगी बन जाती है, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस आईओ, जहां भी जाना रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन प्लस टू में अगर फिसल गए तो फिर जिंदगी का कोई अता पता नहीं रहता है, फिर चलो जो होगा होगा, जिंदगी काट लेंगे, ऐसा ही होता है ना। जरा बता रहा प्लस टू वाले बताइए, ऐसा ही होता है ना। अच्छा देखिए, जैसे प्लस टू की एग्जाम इतना महत्व रखती है, वैसे ही पूरी जिंदगी में, जीरो से लेकर के अगर आप 100 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, लेकिन कितनी लंबी जिंदगी क्यों न हो, आपकी जिंदगी में 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप 80 साल के होंगे, जो जिंदगी जीते होंगे वो जिंदगी 18 से 28 में क्या हुआ उस पर डिपेंड करती है। अगर 18 से 28 की समय में आपकी जिंदगी के सारे निर्णय होते हैं, नौकरी क्या करोगे, शादी कहां करोगे, घर कहां बसाओगे, रहोगे कहां, शहर कौन सा होगा, जिंदगी क्या होगी, सब उसी में तय हो जाता है। 18 से 28 उसमें जो भी होता है उसी पर पूरी जिंदगी चलती है। कोई 75 साल वाली उम्र वाला व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, अगर 5 साल उसके बिगड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई 80 साल का हो, 2 साल बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 4 साल नौकरी से रिटायर हुआ हो, 2-4 साल इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 से 28 साल की उम्र का नौजवान अगर उसके 5 दिन भी बिगड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। 18 से 28 की उम्र में एक भी कदम चुके कि गए, ये ऐसा गोल्डन पीरियड आपकी जिंदगी का होता है। आपकी जिंदगी के सारे फैसले इसी पर होने वाले हैं। आज जो 18 से 28 में रहता है वो 2050 में कैसी जिंदगी जिएगा वो निर्णय आज होने वाला है। 2080 में कैसी जिंदगी जिएगा उसका निर्णय आज होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, 18 से 28 के मेरे मित्रों, पूरे हिमाचल के मित्रों, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों, मेरी बात पर गौर कीजिए। भूल जाइए मोदी का क्या होगा, भूल जाइए नरेंद्र कश्यप का क्या होगा, भूल जाइए भाजपा का क्या होगा, लेकिन सोचिए आपका क्या होगा, 18 से 28 के नौजवान का क्या होगा। अगर दिल्ली में मरी पड़ी निकम्मी सरकार आ गई, आपके तो 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, सारे अवसर मिट जाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विशेषकर से 18 से 28 के नौजवान, आपके भविष्य के लिए आप एक दिन का भी रिस्क नहीं ले सकते। 5 साल की निकम्मी सरकार आपका भाग्य बर्बाद कर देगी। आपका भाग्य बदलने के लिए दिल्ली में काम करने वाली, नौजवानों के लिए सोचने वाली, भारत का भाग्य बदलने वाली एक मजबूत
सरकार की जरूरत है, जिम्मा आप पर है। आप सिर्फ वोटर नहीं है, आपके एडवाइजर बनिए। 50-100 साथियों को, परिवार वालों से वोट करवाइए और एक मजबूत सरकार बनाइए ताकि आपके इस गोल्डन पीरियड को बर्बाद न करे, आपकी जिंदगी में कोई रुकावट पैदा न करे। और इसलिए मैं 18 से 28 के नौजवानों को विशेष आग्रह करता हूं कि आपके भाग्य विधाता बनिए। अगर आप आपके भाग्य विधाता बनेंगे तो भारत के भाग्य विधाता बन जाएंगे। भाइयों बहनों, कीचड़ में गाड़ी फंसी हो, थोड़ा कीचड़ हो तो ड्राइवर भी धक्का मार के निकाल देता है, जरा ज्यादा कीचड़ में फंसी हो तो पैसेंजर उतार कर धक्का मारे तो भी निकल जाती है, लेकिन अगर गहरी खाई में पड़ी हो तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ताकत लगती है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान गहरी खाई में पड़ा हुआ है, उसमें से बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए मुझे मजबूत मदद की जरूरत है। मुझे कम से कम 300 कमल चाहिए, दिल्ली में मुझे 300 कमल चाहिए। अगर 300 कमल मुझे मिले, ऐसी मजबूत सरकार दूंगा कि देश को एक गहरी खाई से निकाल कर रख दूंगा। भाइयों, दौड़ने लग जाएगा देश। और मैं तो हिमाचल की धरती पर आया हूं, विक्रम बत्रा की शहादत की भूमि पर आया हूं, जिस विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मौत, विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मौत, दिल्ली सरकार मांगे मौत। 4 कमल हिमाचल से भेज दीजिए, पूरे हिंदुस्तान से 300 कमल भेज दीजिए। आपके सपनों को पूरा करने का मैं आपको इरादा लेकर के आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी के उद्बोधन के बाद मैं धन्यवाद के लिए श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं और उद्घोष करेंगे आपकी बार। माननीय मोदी जी, आपका हर एक कदम जो हिमाचल प्रदेश की इस पवित्र धरती पर पड़ा, हम उस हर एक कदम को सरपंचों पर लेते हुए आपका